नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस डे 30 है, 30वां दिन है दोस्तों आज इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस का। दोस्तों 1 तारीख से 30 तारीख तक, मतलब जो 30 दिन के जो वीडियो है मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बना रखे हैं दोस्तों। ये अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर डे 1 से डे 30 तक का जिसने भी सही तरीके से प्रैक्टिस करी होगी तो उसकी एक बहुत ही अच्छी स्पीड आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। उसका जो बेस है बहुत ही अच्छा मजबूत हो गया होगा। इस हिसाब से मैंने इस कोर्स को बना रखा है कि आपकी जो टाइपिंग में जो जड़ है वो बहुत ही मजबूत जड़ हो जाएगी। अब उसके बाद आप जब पैराग्राफ आप टाइप करोगे आगे तो आप उसकी एक बढ़ते क्रम में स्पीड जाएगी आपकी। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी स्पीड अब आपकी बढ़ते जाएगी। और ख़ास बात ये होगी दोस्तों इसकी कि आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। अब जिस हिसाब से मैंने कोर्स को बना रखा है, अगर सही तरीके से किसी ने भी इस कोर्स को किया होगा तो उसकी अब गलतियाँ नहीं होंगी, बिना गलतियों की इसकी स्पीड निकलेगी। इस चीज़ का आप गौर करना। दोस्तों अगर जिस लड़के या लड़की के पास टाइम ज़्यादा है, टाइपिंग टेस्ट का टाइम ज़्यादा है, तो मैंने जो 1 महीने का कोर्स बना रखा है इसी को 2 महीने तक का अभ्यास करे तो उससे उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये टाइम कम है तो विशेषकर मैंने उनके लिए बनाया था ये टाइपिंग कोर्स, जिनके पास टाइम कम रहता है, 1 या 1.5 महीना जिसके बाद रहता है, उस हिसाब से इस कोर्स को बनाया था मैंने। लेकिन इसमें इतनी अच्छी क्रमबद्धता रखी है कि मैंने अगर कोई भी जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो वह ज़्यादा समय तक इसका अभ्यास कर सकता है। जैसे 1 महीने का जो कोर्स है इसको 2 महीने तक का कर सकता है। जैसे जो 1 दिन मैंने अभ्यास करने के लिए कह रखा है उसको वह 2 दिन तक अभ्यास करे। इस प्रकार से 1 महीने के कोर्स को 2 महीने तक का करेगा तो वह उसकी बहुत ही अच्छी पकड़ बनेगी। दोस्तों ये 1 महीने का बेस कोर्स है, इससे सिर्फ जड़ मजबूत होगी और इससे आगे जब भी अभी जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा वो अब आपके स्पीड के लिए बनाऊंगा। ये तो जितने भी वीडियो थे, 30 जो वीडियो हैं, 1 से डे 30 तक का जो भी वीडियो हैं, ये सिर्फ जड़ मजबूत करने के लिए थे टाइपिंग में। अब आपके जो भी बनेंगे पैराग्राफ में कैसे स्पीड को बढ़ाना है, इस तरीके के वीडियो बनेंगे आगे के वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से पैराग्राफ को टाइप करना है आपने। दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए एक आसान सा एक पैराग्राफ ले रखा है, लगभग ये 100 वर्ड से अधिक हैं। इसमें आप कोई सा भी एक पैराग्राफ ले सकते हैं। दोस्तों आप बच्चों की जो इंग्लिश की किताब होती है उस किताब से भी कोई किसी भी पैराग्राफ को ले लें और उसको देख देख के भी अभ्यास करेंगे तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों उंगलियों को कीबोर्ड पर रखेंगे। दोस्तों 100 से 150 तक का शब्द वाला एक पैराग्राफ ले लेंगे और 1 घंटे तक का आपको उसको टाइप करना है। जब पैराग्राफ एक बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद शुरू से फिर टाइप करना शुरू कर देना, फिर तीसरी बार भी टाइप करना शुरू कर देना, उसको चौथी बार भी टाइप करना है। इस प्रकार से एक ही पैराग्राफ को आपने बार बार टाइप करना है दोस्तों 1 घंटे तक का। और पैराग्राफ कोई बच्चों की किताब से ले सकते हैं, इंग्लिश की किताब से, कहीं से भी आप एक पैराग्राफ ले सकते हैं और आसान सा पैराग्राफ लें। कोशिश करें कि ज़्यादा अंक ना हो उसमें। स्पीड बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों शुरुआत में। न्यूटन वाज बोर्न ऑन, कोशिश करें दोस्तों गलती ना हो आपसे। और स्पीड बहुत तेज भी ना रखें, बहुत धीरे भी ना, मीडियम आपकी स्पीड रहेगी। कोशिश करें आपसे गलती ना हो। THREE देखिए कॉमा एकदम चिपक कर ही होता है वर्ड के साथ।
सिर्फ मीडियम स्पीड में आप टाइप करेंगे, कोशिश करें कि आपसे गलती ना हो। देखिए कॉमा देखो चिपक के होता है वर्ड के साथ। आपको एक किताब ले लेनी है और उसी में से देख देख कर टाइप करना है दोस्तों। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा। अभी भी आपने कोशिश करने की गलती ना हो। ये दोस्तों एक पैराग्राफ पूरा हो गया, लगभग ये 100 से ज़्यादा वर्ड हैं इसमें। जैसे एक पैराग्राफ इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा तो फिर से उसी पैराग्राफ को दोबारा शुरू कर देना, नया पैराग्राफ मन लेना, उसी पैराग्राफ को दोबारा शुरू कर देना और कोशिश करें कि आपसे गलती ना हो और किताब से देखकर टाइप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें। दोस्तों ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ये मैं अपने मोबाइल पर ही टाइपिंग करके बनाता हूँ, आप भी आसानी से अपने मोबाइल से टाइपिंग सीख सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप क्लर्क की भर्ती के फॉर्म भरने वाले हैं आगे भी, या फिर भर चुके हैं और आप एक क्लर्क बनना चाहते हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं और टाइपिंग से जुड़े अगर आपको वीडियो चाहिए, तो इस तरह की वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद।